मार्ज सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। मार्ज सेल के अंदर में ये चार ऑप्शंस जो होते हैं, मार्ज एंड सेंटर, मार्ज अक्रॉस, मार्ज सेल, अनमार्ज सेल। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं एडमिट कार्ड वगैरह सर्टिफिकेट या किसी डाटा को बनाते समय, और लगता है कि ये कैसे हम कर पाएं, तो मर्ज करने में समस्या होती है। तो मर्ज करने के लिए देखिए हम यहाँ पे बताते हैं सबसे पहले कि अगर हम कोई भी कॉन्टेंट लिखते हैं तो सबसे पहला तो कि ये आपका बॉर्डर जो दिख रहा है बॉर्डर रियल में होता नहीं है, बॉर्डर आपका छुपा होता है। यानी कि अगर आप कंट्रोल प्लस F2 की मदद से यदि आप इसको देखेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। देखिए इस प्रीव्यू के अंतर्गत क्या हो रहा है कि आपको कोई भी डाटा वगैरह नहीं दिख रहा, कोई भी सेल देखिए आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, सिर्फ आपका ये कंटेंट दिख रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये बॉर्डर प्रिंट हो, तो एक तो बॉर्डर प्रिंट होने के लिए व्यू टैब में जा करके आप यहाँ से ग्रे लाइन वगैरह आप टिकआउट रखेंगे, सारे चीज़ रखेंगे आपको आ जाएंगे। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ होम टैब के अंदर से देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर मिला होता है बॉर्डर का ये सिंबल, ठीक है। ये बॉर्डर में बॉटम बॉर्डर यानी नीचे की ओर, टॉप बॉर्डर ऊपर की ओर लगेगा, इस प्रकार से हम आपको दिखाते जाते हैं। चलिए मानते हैं कि यहाँ पर देखिए ये बोल्ड रूप में आपको दिखाएगा, ये हमने सिलेक्ट किया, ये बॉटम यानी कि ये आपका नीचे की ओर आ गया, ठीक है। फिर से हम इसको सिलेक्शन करते हैं और यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पे टॉप पे क्लिक करेंगे तो टॉप यानी कि ऊपर की ओर हमारा ये बॉर्डर लग जाएगा। यदि यहाँ पर हम लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे तो यहाँ पर बाएं लेफ्ट मतलब आपका ये बायां हो गया और राइट का मतलब क्या हो जाएगा आपका ये दायां हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो बॉर्डर करके आप सारे बॉर्डर्स को एक और में हटा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ हमने जो प्रिंट प्रीव्यू दिखाया था इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये लाइनिंग एक पेज का अनुशंसन कर रहा, यानी ये आपका पहला पेज है ये आपका दूसरा पेज है, इसी प्रकार से पूरे एक्सेस में आपको सेल बाई सेल पूरे बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खाली सेल्स आपको जितने भी लाइन दिख रहे हैं, देखिए अगर और नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सारे में लाइनिंग दिख रहा है। तो ये लाइनिंग क्या करता है आपको पेज के डिवाइडेशन करता है, यहाँ पर आपको पेज डिवाइड कर रहा। अब आगे हम चलते हैं, आगे चलने के बाद ये हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मर्जन सेंटर कैसे करेंगे। अभी तक हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं कंट्रोल प्लस F2 की मदद से, तो यहाँ पर देखिए अभी तक आपका कोई भी बॉर्डर नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम अभी पेज बॉर्डर करते हैं तो यहाँ से हम जितने को अगर बॉर्डर रखना है हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही हम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे बॉर्डर हो जाएगा। ये बॉर्डर का एक अगर शॉर्टकट बताएं तो यहाँ पर से इस पर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ प्रेस करके जहाँ तक आपको बॉर्डर लगाने हैं आप वहाँ तक पहले सिलेक्शन कर लीजिए, और सिलेक्शन करके आप यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया देखिए आपके सामने बॉर्डर लग चुका है, बॉर्डर लग चुका है, आप कंट्रोल प्लस F2 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखिए बॉर्डर आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंडेक्स वगैरह देखते हैं या टेबल वगैरह देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह गुजर रहता है या अटेंडेंस वगैरह बनाने में इसकी मदद होती है। इसके साथ नेक्स्ट हम ये बताने जा रहे हैं कि मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल कैसे होता है। तो देखिए मानते हैं कि यहाँ पर दो लाइन्स हैं, कभी कभी ऐसा भी होती है। एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे मैं लिखता हूँ, मैं जैसे चार एक सेल में हमने लिखा मिश्रा जी कंप्यूटर कंप्यूटर, और मान के चलते हैं कि इसमें चले लिखते हैं सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम चारों को अगर मर्ज करना चाहते हैं तो देखिए अगर चारों को हम सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से मर्ज करते हैं, ठीक है, ये चारों के बारे में हम आगे बताते हैं। अगर मानते हैं मर्ज करते हैं तो होता है क्या है इसे कि आपका ये कॉन्टेंट जो है जैसे ओके करेंगे ये सारा आपका गायब हो जाएगा। तो गायब होने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, गायब होने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो है बिल्कुल आपका कंटेंट चला जाता है, ठीक है। इसीलिए यदि आपको ये मर्ज करने होंगे तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करने होंगे, पहले आपको डेटा को आराम से इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ से आपको मर्ज कर लेने हैं। आपको देखिए ये डेटा बिल्कुल मर्ज हो गया, आप यहाँ पर आप आसानी से कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, या अगर आप पहले से लिख चुके हैं और मर्ज नहीं कर पा रहे हैं बार बार लिखना हो तो उसके भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सेल को सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक दबा करके आप यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, या फिर शॉर्टकट जो हम बताए हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और शिफ्ट को प्रेस करके जहाँ तक आपको सिलेक्शन करना है वहाँ तक क्लिक कर दीजिए, आपको एक और में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से कट कर लेना है, डाटा को कट कर लीजिए और कहीं अलग जगह पर यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। पेस्ट करते ही यहाँ से डाटा कट के यहाँ पर चला आया, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आप इसको कर लें। इस प्रकार से आप इसको डाटा को कर लेते हैं मर्ज। मर्ज करने के बाद जैसे मर्ज कर ले और सभी चीज़ को एक एक करके कॉपी करके आप यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से करें कट, यहाँ पर करें पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल भी पेस्ट, इस प्रकार से आप सभी को कट करें, पेस्ट करें, इस प्रकार से आप यहाँ से करते जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको मार्जिन सेंटर में हमने कुछ बातें को बताएं। इसके बाद